स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुजी पर। और आज हम अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं नंबर वन से। स्टूडेंट, अकाउंटिंग रेशियो का मैंने एक पार्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट सिखाया था कि अकाउंटिंग रेशियो कहाँ से शुरू होता है, करेंट रेशियो कैसे निकलता है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज बताए थे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अकाउंटिंग रेशियो में सबसे पहली वीडियो दे रखी है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे तो कह रहे हैं सर जी क्वेश्चन कराओ चुपचाप, ज़्यादा ज्ञान तो दो मत वरना बहुत पिटाई हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द करेंट रेशियो। हमें निकालना है करेंट रेशियो, और करेंट रेशियो का फॉर्मूला मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर वन कर रहे हैं बेटा, ओके। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में करेंट रेशियो, और सर करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट। या गुरुजी फॉर्मूले का ज्ञान तो दे दिया, क्वेश्चन में हमें यह पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन सी हमारी करेंट एसेट्स हैं और कौन कौन सी हमारी करेंट लायबिलिटी हैं। तो पहले तो निकालें करेंट एसेट्स। बेटा मैंने ये चीज़ भी सिखाई है आपको, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लेना, नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं। करेंट एसेट्स हमारी क्या होती है कि जो एसेट्स एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग करेंट एसेट्स नहीं है, फिक्स एसेट्स है। इन्वेंट्री सबसे पहले, प्लस ट्रेड रिसीवेबल हमारी करेंट एसेट्स होती है। करेंट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करेंट में दे रखा है। ट्रेड पेबल लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये करेंट लायबिलिटी है, ये और कुछ नहीं आएगा। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जरा मैं इनकी वैल्यू लिखता हूं बेटा। सर इन्वेंट्री की वैल्यू है 70,000, लिखता हूं इन्वेंट्री की वैल्यू 70,000। ट्रेड रिसीवेबल है हमारे 90,000 के। करेंट इन्वेस्टमेंट 35,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 90,000 और 70,000, 1,60,000 प्लस 35,000 और 5,000, 40,000। ये टोटल आएगा 2,00,000 करेंट एसेट्स का। ओके, अब निकाल लेते हैं करेंट लायबिलिटी जोश में एकदम। करेंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है सर, जो हमें एक साल के अंदर पेड करनी है। तो यहाँ देखो ट्रेड पेबल 46,000, ट्रेड पेबल हमारी करेंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि 20,000 रुपए शॉर्ट टर्म बोरोइंग। प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमारी करेंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल थे 46,000 के, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 20,000 की, प्रोविजन फॉर टैक्स हैं 10,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000। तो 46,000 और 4,000, 50,000, 70,000 और 80,000, यानी करेंट लायबिलिटी कितने की है, 80,000 की। अब सर करेंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स हैं 2,00,000 रुपए की और करेंट लायबिलिटी 80,000 रुपए की। इसको मैं सॉल्व करता हूं, 2,00,000 डिवाइडेड बाई 80,000, ये 2.5:1, यानी कि करंट रेशियो क्या आएगा, 2.5:1, और आंसर हमारा यही आ रहा है 2.5:1। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो की न्यू बुक को, और न्यू बुक में ये वाला सेकंड क्वेश्चन नहीं है। न्यू बुक में जो आपका यहाँ थर्ड क्वेश्चन मैं करूँगा वही सेकेंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, लिख सकता हूँ ये थर्ड है लेकिन नई बुक में सेकंड है तो सेकंड नहीं करूंगा, क्योंकि न्यू बुक मेरी अगली वीडियो में आ जाएगी तो मैं अभी पुरानी बुक को कर रहा हूँ लेकिन न्यू बुक के हिसाब से। तो बेटा इसमें हमने क्या करना है सर, करेंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों निकालना है। करेंट रेशियो का फॉर्मूला सर, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, अभी भी कह रहा हूँ क्वेश्चन करने से पहले मेरी जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसे जरूर देख लेना। सबसे पहले करेंट एसेट्स, गुडविल हमारी करेंट एसेट्स नहीं होती, इन्वेंट्री, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के, उसके बाद पेमेंट इन एडवांस, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके बाद एक्रूड इनकम, ये सब हमारी करेंट एसेट्स हैं। ओके,
इन्वेंट्री 2.5 लाख की है, ट्रेड रिसीवेबल 1,30,000 है, इन्वेस्टमेंट है हमारे 30,000 के, पेमेंट इन एडवांस है हमारा 20,000 का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 40,000 के, और एक्रूड इनकम है 10,000। इसका टोटल करता हूं मैं, 2.5 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000। करेंट एसेट्स आई मेरी 4,80,000 की। अब मैं निकालता हूं करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी में हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, एक्सपेंसेस पेबल है, सबरे पेबल ही पेबल है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है बेटा हमारा 1,2,3,4,20,000 के, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 30,000 की, ट्रेड पेबल है 95,000 के, और एक्सपेंसेस पेबल है 5,000। तो ये 20,000 और 30,000 50,000, और 95,000 5,000 1,00,000, तो ये 1,50,000। अब फॉर्मूला लगाएंगे करेंट रेशियो का, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट 4,80,000 की और करेंट लायबिलिटी 1,50,000 की। इसे सॉल्व करेंगे, 4,80,000 में से 1,50,000 डिवाइड करूंगा तो ये आएगा मेरा 3.2:1। तो करेंट रेशियो 3.2:1 तो आ गया। अब निकालना है क्विक रेशियो। सर क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो वो रेशियो जो और जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, चुटकी बजाते ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर? क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। सबके बारे में मैंने अकाउंटिंग रेशियो के फर्स्ट पार्ट में समझाया है, अभी भी कह रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में जाना और अकाउंटिंग रेशियो की सबसे पहली वाली वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। गारंटी है क्या क्विक एसेट्स है, क्या किस में आएगा, सब ये झोल समझ में आ जाएगा, तभी ये क्वेश्चन करने में और मजा आएगा, है ना। लेकिन सर हम तो जिद्दी हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ गए हैं, क्योंकि हम गंगाधर जी हैं शक्तिमान। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, पेमेंट इन एडवांस ये माइनस कर देंगे। तो करेंट एसेट्स थी सर 4,80,000 की, इन्वेंट्री थी 2.5 लाख की, और पेमेंट इन एडवांस था 20,000। तो 4,80,000 में से 2.5 लाख माइनस किए और 20,000 माइनस किए, तो ये आ गया मेरा 2,10,000 का क्विक एसेट्स। करेंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो 1,50,000 की 1,50,000 की है। अब मैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कहती थी हमारी 2,10,000 और करेंट लायबिलिटी थी 1,50,000। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 1.4:1, और यही आंसर है। वेरी वेरी गुड। अब देखो बेटा, आज की वीडियो में हम जो कि इस बुक में 4 है और आपकी नई बुक में 3, इसमें भी आपको करेंट रेशियो क्विक रेशियो निकालना है। करेंट रेशियो का फॉर्मूला, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले करेंट एसेट छांट लेंगे। देखो बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000, ट्रेड रिसीवेबल 71,000, ये भी करेंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000, ये भी करेंट एसेट्स है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल 80,000, उसके बाद फिनिश गुड 60,000, उसके बाद लूज टूल्स नहीं आएगा, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 9,000। इस सब का जोड़ करूंगा तो ये आएगा 10,000 प्लस 71,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000, ये आएगा 2,50,000 मेरी करेंट एसेट्स। करेंट लायबिलिटी देखूंगा तो देखो बेटा, यहां ट्रेड पेबल 1,00,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 25,000 और 5,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये रहेगा टोटल 1,30,000। तो करेंट रेशियो निकालूंगा तो करेंट एसेट्स यानी कि 2.5 लाख को
जब मैं 1,30,000 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा मेरा 1.92:1। ये तो मेरा आएगा करेंट रेशियो, आंसर देखिए बिल्कुल सही है 1.9:1। अब मुझे निकालना है क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, यानी कि जो हमारी करेंट एसेट्स थी उसमें से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये चीज़ें माइनस कर। करेंट एसेट्स थी मेरी 2,50,000 की, 2,50,000 में से 80,000 का रॉ मटेरियल, 60,000 का ये और 9,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस ये माइनस करूँगा। तो 2,50,000 माइनस 80,000 माइनस 60,000 माइनस 9,000, ये आएगा 1,01,000 मेरा करेंट सॉरी क्विक एसेट्स। फॉर्मूला लाऊंगा मैं क्विक रेशियो का, 1,01,000 और डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी कितनी थी 1,30,000, इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.78:1, यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें तो 4 है लेकिन आपकी न्यू बुक में 3 होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी भी कह रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए मेरे अकाउंटिंग रेशियो का जो मैंने पहला पार्ट डाला था उसे बेटा ध्यान से याद से देख लेना, ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में बैठ जाएंगी कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। देखो बेटा हमें निकालना है करेंट रेशियो, क्वेश्चन नंबर 5 लेकिन आपकी न्यू बुक में होगा 4। हमें निकालना है करेंट रेशियो, करेंट रेशियो का फॉर्मूला करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। देखो बेटा जब हमारी टोटल एसेट्स की बात आती है तो टोटल एसेट्स में हमारी करेंट एसेट्स भी होती है और नन करेंट एसेट्स भी होती हैं। इस क्वेश्चन में आपको करेंट एसेट नहीं दे रखी लेकिन टोटल एसेट्स दे रखी है और नन करेंट एसेट्स दे रखी है, यानी कि अगर मैं टोटल एसेट्स में से नन करेंट एसेट्स माइनस कर दूंगा तो मेरी क्या निकल आएगी, करेंट एसेट्स। यानी कि टोटल एसेट्स कितनी है बेटा 40,00,000 और नन करेंट एसेट्स कितनी है 22,00,000, तो मेरी करेंट एसेट्स कितनी आ जाएगी 18,00,000। ये तो यहां आ गया। ओके अब देखो बेटा एक चीज, ये आपको 18,00,000। अब करेंट लायबिलिटी समझना, ये बात आपको मालूम है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, यानी कि जो हमारा एसेट्स का टोटल वो लायबिलिटी का, और ये भी मालूम होगा आपको एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। यानी कि मैं फॉर्मूला और तोड़ू तो एसेट्स में हमारी करेंट एसेट्स प्लस नन करेंट एसेट्स, और लायबिलिटी में आपकी करेंट लायबिलिटी प्लस नन करेंट लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स ये रखी है 40,00,000, यानी कि इन दोनों का जोड़ मिला के भी 40,00,000 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको नन करेंट लायबिलिटी दे रखी है, कैपिटल दे रखा है। तो अगर मैं नन करेंट लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़कर टोटल एसेट्स में से माइनस कर दूं तो हमारा बेटा आ जाएगा करेंट लायबिलिटी, आ जाएगा सर। तो देखो बेटा टोटल एसेट्स हमारी 40,00,000 माइनस शेयर कैपिटल 24,00,000 माइनस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस नन करेंट लायबिलिटी, ये सब मैं करूंगा तो 40,00,000 में से 24,00,000 गए यानी कि 16,00,000, 16,00,000 में से 3,00,000 गए यानी कि 13,00,000, और 13,00,000 में से 8,00,000 गए यानी कि 5,00,000। तो मेरी करेंट लायबिलिटी कितनी आई 5,00,000। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ करेंट रेशियो, करेंट एसेट्स मेरा कितना निकला आता है बेटा 18,00,000 और करेंट लायबिलिटी कितनी आई बेटा 5,00,000। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 18,00,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000, तो ये आएगा बेटा 3.6:1। आंसर देखेंगे यही है 3.6:1। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, अकाउंटिंग रेशियो शुरू हो चुका है, बल्ले बल्ले करेंगे एकदम मस्त तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आग लगा दें, एकदम मजे से पढ़ेंगे एकदम कॉमर्स गुरुजी के साथ।